हम लोग एक चीज चाहेंगे। हाँ जी सर। शुभदीप बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, तो हम लोगों ने कुछ राग यमन कल्याण में सोचा है और हम लोग चाहते हैं कि वो उसे गाए। पैटर्न क्या रखना है खाली गिटार का बता दीजिए, कॉर्ड्स रहेगा हम लोग का सब साथ। एक एडलिब करने का शुरू करें यमन के। ये बहुत अच्छा क्लासिकल सरगम वगैरह बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, सीखा हुआ है मतलब। सोल की तरह रिदम रहेगा उसकी, तो पहले एडलिब रहेगा उसके बाद वो रहेगा रिदम। It's amazing how passionately they are making this thing. This is learning the composition now, na? आपको जो करना है आप कीजिए, फ्रीली कीजिए, हम लोग का तो एक ही चलते रहेगा। तो दोस्तों एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो अभी आप लोगों ने देखा है। हम इतने सालों से गाने सुनते आए हैं लेकिन गाना सुन के जो सुकून मिलता है ना, ये उससे पहले की वो बेचैनी थी। ये तालमेल जो हमने अभी देखा है उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट आनंद जी मिलिंद जी तैयार है। जी तो अभी हम एक बंदिश करने वाले हैं, शुरू हो जाए। जी सर। चाहूंगा ये परफॉर्मेंस सबको हमेशा रहेगी याद, आनंद मिलिंद जी के साथ गाए हमारे शुभदीप उस्ताद। जब भी आपकी कोई भी लाइव परफॉर्मेंसेस होगी फ्यूचर में, टिकट खरीद के मैं आऊंगा आपका शो देखने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय फ्रेंड। आइए हमारे हाथ एक दूसरा सीक्रेट वेपन आया है। आप चाहे ना बताओ लेकिन वो खुफिया वीडियोस हमने आपके फोन से चोरी कर दी। देखो देखो इनका असली रूप देखो। ओ बम चंद्रमा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, अंजना मामा सो गए सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यार कहीं काटे भागे, एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई। सुबह
डिटेक्टिव अंजना पद्मनाभन भन 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 भन। देखो ऐसे ही थोड़ी कहते हो, ओबोम की सुकून की शक्ल है। He's very well rested always. एक्चुअली मैम मेरे वहाँ पे तो हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, हम लोग 6 बजे डिनर करते हैं और 7 बजे तक तो हम सो ही जाते हैं, बट यहाँ पे मतलब काफी हम लोग। लेकिन पहाड़ों में बहुत जल्दी उठते भी है, जल्दी उठते हो? मतलब देर सो रहा हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा जनरली ऐसा मैंने सुना है कि म्यूजिशियंस या सिंगर्स के साथ कभी कभार ऐसा होता है। आनंद जी मिलिंद जी आपके वहाँ ऐसा कभी कुछ होता था? मैं कुछ बोलूंगा तो ये मुझे 2-3 लगा देगा यहाँ पर। ये भाइयों वाली पोल खुलने वाली है। बहुत चालाकी से कभी कभी जबकि मार लेते थे ये। अच्छा ये हमेशा गॉगल्स पहनते हैं तो सामने कई बार मैंने देखा कोई आके कुछ बोल रहा है मगर इनसे ही सिटिंग लाइक अ स्टैच्यू तो मैं समझ जाता था। अच्छा एक बार क्या हुआ कि कोई डायरेक्टर थे इनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे और ये मतलब जबकि मार रहे होंगे तो फिर आके मुझे उसने कहा कि मिलिंद जी इज इन डीप थॉट। आई सेड यस डोंट डिस्टर्ब यू वांट टू डिस्कस समथिंग यू कैन डिस्कस विद मी। उनको पता ही नहीं चला। आद्या एक बात पूछनी थी मुझे कि उस दिन जब आए आप वहाँ आई थी एकेडमी में तो आपके ब्रदर भी आए थे बाद में आपसे मिलने और वहाँ मुझे पता चला कि वो भी बहुत अच्छा गाते थे और किसी कारण उन्होंने आपके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। जी सर एक्चुअली एक्चुअली सर मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था तो अपने भाई की वजह से किया था क्योंकि वो म्यूजिक सीखता था एंड उसको देख देख के मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक सीखना। हम दोनों बहुत बहुत गाते थे साथ में। ये मुझसे 5 साल बड़ा है एंड कुछ स्पैन ऑफ इयर्स में मेरे डैड को 2 बार लगातार हार्ट अटैक आया था तो उसके चक्कर में उसने अपने सारे पैशंस को साइड किया और उसने सोचा कि मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगा ताकि मैं एक जॉब सिक्योर कर सकूँ। मेरा भाई भी बहुत छोटा था वो मेरी एज का होगा एंड उसने सब कुछ संभाला, उसने मम्मी को संभाला, मम्मी बहुत ख़राब कंडीशन में थी एंड मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझसे छुपाया गया था ये। उसने हमेशा मतलब ऐसे किया कि मैं नहीं कर पाया तो तू कर और मैं अपने म्यूजिक से आज स्टेज पे खड़ी हूँ तो मैं हम दोनों को रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि जितने सैक्रिफाइसेस उसने मेरे लिए किया उसके बिना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, थैंक यू। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये ब्रदर्स आप प्रेशियस, मतलब जीवन में जिसको अपना ऐसा भाई मिला है ना उसको जीवन में कुछ
ऊपर वाले का खास आशीर्वाद है तब जाके ऐसा भाई मिला है और ये जीवन में मिला है। तुम्हारा साथ जो हाथ पकड़ा हुआ है भाई कभी नहीं छोड़ेगा। और वो सैक्रिफाइसेस जो किए भैया ने आपके लिए, तुम यू विल मेक हिम प्राउड एंड हाउ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। थैंक यू फॉर दिस स्टेज बिकॉज दिस स्टेज इज एक्चुअली गिवन एंड मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी बहन आज इस स्टेज पे है और इतने लोग इसको जानते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Big round of applause, everyone, for Adya Mishra. Your Sameer ji ki kafi gehri dosti hai, right? Bilkul. Sach mein hai, sir? Dosti nahi, is like a third brother. Kyunki aisa lagta nahi hai, sir. Kya hai ki unhone itne romantic gaane likhe hain aur jab wo aapke liye gaane likhte hain, pak chik pak raja babu. Tu 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 tara. Tu tu tara. हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय बोई बोई बम बबा बम बोई, ये मतलब ये ऐसा आपके साथ ही क्यों? उस टाइम पे ये एक ट्रेंड चल गया ना आनंद कि मीनिंगलेस वर्ड्स के कुछ बोल बनाओ मुखड़े बनाओ। तो समीर उसको बुलाता था, मालिक कुछ उटपटांग कर। राजा बाबू में गाना था आ ई उ ओ। ओके ओह माय गॉड यार, कि समीर को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बोले क्या करूं यार इसमें। मैंने बोला हम लोग वो वाउल्स वगैरह पढ़ते थे आ ई ई उ ओ ए ऐ। एक मिनट मीटर क्या है? मैंने ड ड ड लिख आ ई उ ओ। स्कूल की पढ़ाई कहीं तो काम आई। बहुत एग्जैक्टली आई वाज सेइंग टू मेक कैची वर्ड्स दिस। ये वर्ड्स जो बन गए हैं वो जबानी है लोगों के और इतने साल हो गए, बट आज भी कोई भी अंताक्षरी हो, फैमिली पार्टीज हो, यू नो दीस सॉन्ग्स रियली ब्रिंग सो मच जॉय टू अस। थैंक यू फॉर द सॉन्ग सर, थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.